नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वेंद्र आप सबका ज्ञान संगम क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो लेक्चर नंबर 3 है, ये कोर्स स्पेशली एचएसएससी के एग्जाम और एचपीएससी के एग्जाम्स के लिए है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे इस तीसरे लेक्चर में। हमने क्या क्या पढ़ लिया था कि यूरोपियंस भारत में कैसे कैसे आए, पुर्तगाली हमने पढ़ लिए हैं, ब्रिटिश हमने पढ़ लिए हैं। आप उस वीडियो लेक्चर्स को हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, या जो आपके राइट साइड में ऊपर आई बटन होता है वहां पर जाके क्लिक करके भी आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। दूसरे लेक्चर में हमने औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल सम्राट हुए वो सब किए थे। तो आज तीसरे लेक्चर में, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर की एंडिंग में आपको बताया था कि हम जो जो न्यू स्टेट्स आते हैं, एक रिबेलियस स्टेट आते हैं, एक ऑटोनोमस स्टेट आते हैं और एक इंडिपेंडेंट स्टेट आते हैं, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम तीन जो नवीन राज्य आते हैं, बंगाल, अवध और हैदराबाद के बारे में डिटेल से जानेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बंगाल के बारे में बात करेंगे। बंगाल जो है शुरू से ही मुगल सल्तनत का हिस्सा रहा है। ठीक है, तो बंगाल में प्राचीन समय में आपने पाल वंश सुना होगा। ठीक है, मैं वैसे ब्रीफ में बता रहा हूं, पाल हो गए, राष्ट्रकूट हो गए और चौहान हो गए या गुजर प्रतिहार हो गए। इनका कन्नौज के लिए संघर्ष चलता था। वहां पर आपने बंगाल में पढ़ा होगा या हर्षवर्धन के काल में गोड राजा पड़े हुए। ठीक है, तो अब इस समय आके जो 18वीं शताब्दी का समय आ चुका है, तो आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है ये याद रखनी है कि अंग्रेजों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री कब बनाई। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री बंगाल में 1651 में कहां बनी थी, हुगली के किनारे। ठीक है, तो हुगली किनारे ये बनी थी। उसके बाद मैंने, जैसे कि पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, कि एक इंसान होते हैं जोब चारनोक। ठीक है, तो ये तीन गांव गोद लेते हैं, सूतीनाता, कालीकत्ता और गोविंदपुर। ठीक है, मैं लिख देता हूं सूतानाती नाती, बस आप सुनने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, लिखने की बजाय, लिखने में थोड़ी गलती भी होती है और मेरी राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है इस डिजिटल पेन से। सूतानाती, कालीकत्ता और गोविंदपुर। ठीक है, गोविंदपुर। तो ये 1698 में इनको, ये जोब चारनोक जो है, ये तीन गांवों को जो वहां का सूबेदार होता है उससे गोद लेते हैं। तो आपसे ये पूछा जाए कि जो है कलकत्ता का संस्थापक कौन है, कलकत्ता का संस्थापक है जोब चारनोक, वहां के संस्थापक है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि कलकत्ता का संस्थापक कौन है, जोब चारनोक है। कलकत्ता किससे बनता है, तीन गांव से, सूतानाती, कालीकत्ता और गोविंदपुर, इन तीनों को मिलाकर कलकत्ता बनता है 1698 में। ठीक है, 1911 तक कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी रहता है। ठीक है, उसके बाद राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये जैसे जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको ये करवा दूंगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो ये बंगाल जो स्टेट आई, जो बंगाल राज्य आया, इसका संस्थापक कौन था। ठीक है, इसका संस्थापक आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो और अक्सर पूछा भी जाता है एग्जामों में, मुर्शीद कुली खां इसके संस्थापक होते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं, रेड पेन। ठीक है, मुर्शीद कुली खां इसके संस्थापक होते हैं। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खां को ना जो औरंगजेब होते हैं वो बंगाल का दीवान बनाते हैं। ठीक है, 1717 में इनको दीवान बनाया जाता है। ठीक है, पर ये क्या है कि एक तरह से नजराना तो पेश करता था मुगल सम्राट जो दिल्ली बैठते थे। ठीक है, पर धीरे धीरे, जैसे जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मुगल सम्राट औरंगजेब के बाद वीक होते गए, तो ये जो दीवान थे या जो सूबेदार थे, जो अपने आप में स्ट्रॉन्ग थे, धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को ऑटोनोमस घोषित कर दिया। मतलब ऑटोनोमस घोषित करने का कि हम मुगल, ये दिल्ली हो गया, जैसे डी फॉर दिल्ली और बी फॉर बंगाल। ठीक है, ये बंगाल हो गया, ये क्या कहता है बंगाल का, हम इनके अधीन है। ठीक है, क्योंकि इसको कहने से क्या बनेगा कि जो बंगाल की जनता है उसे ये लगेगा कि मुगल शासक ही हमारे ऊपर राज कर रहा है, हम इनके अधीन है, पर हम इनकी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, अपने आप में इंडिपेंडेंट या ऑटोनोमस स्टेट की तरह, ऑटोनोमस राजा की तरह अपना राजकाज चलाएंगे। अब आप समझ गएंगे, इस प्रकार ही बंगाल, हैदराबाद हुआ, अवध में ये चल रहा था। अच्छा, अब मुर्शीद कुली खान जो है, कब तक है ये,
1713 से लेकर 1727 तक इनका शासनकाल रहता है, ठीक है। इनकी राजधानी आपको बहुत जरूरी याद करनी है, मुर्शिदाबाद। आगे ये मुर्शिदाबाद एक जगह कनेक्ट होगा, मैं बताऊंगा कैसे कनेक्ट होगा, ठीक है। अभी मुर्शिदाबाद कैपिटल इसकी बनाई जाती है बंगाल स्टेट की, ठीक है। अब क्या होगा आगे, तो इन्होंने जो मुर्शिद कुली खान थे, एक नई व्यवस्था लेके आते हैं, ठीक है, खेती में लेके आते हैं एक इजारा सिस्टम, मैं बताता हूँ अभी आपको इजारा, और एक तकवी लोन्स। तकवी लोन्स आपने मध्यकालीन जब पढ़ा होगा आपने, भारत मिडिवल इंडिया, जो गुलाम वंश के शासक थे, तुगलक हो गए, जैसे खलजी हो गए, ठीक है। पहले क्या आता है, गुलाम वंश आता है, ठीक है, गुलाम वंश के बाद खलजी आते हैं, तुगलक आता है, ठीक है, सैयद आता है, लोदी आता है, और मुगल आते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है, ठीक है। तो इस टाइम आपने तकवी लोन सुनेंगे। तकवी लोन क्या थे कि जो राजा है उसकी तरफ से जो किसान है उनको पहले ही लोन दिया जाता ताकि वो बीज वगैरह खरीद सके, अब उनको जो भी खर्चा है उसके लिए। तो ये शॉर्ट टर्म लोन टाइप रहते थे, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन, जैसे आजकल दिया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह, केसीसी किया जाता है, ठीक है, इंश्योरेंस दिए जाते हैं, वो सब उस टाइप में। इजारा सिस्टम क्या था, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, एक खालिसा लैंड होती है और एक इजारा होता है। जैसे खालिसा जो राजा के पास जो भूमि है वो होती है खालिस लैंड। अब इजारा सिस्टम में क्या करते थे, ये जो भूमि है अब इसको ये नीलाम करते थे। नीलाम करने का मतलब बिडिंग करते थे कि भैया इस पे हमें साल में कौन सबसे ज्यादा रेंट दे सकता है, ठीक है, वो इसको ले लीजिए। ये इजारा सिस्टम होता था, रिवेन्यू फार्मिंग जिसे हम बोले, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, ठीक है। मेरा मीडियम वैसे इंग्लिश रहा है पर मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि 90% मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊँ, क्योंकि हरियाणा में बेसिकली हिंदी मीडियम के ही छात्र हैं। तो रिवेन्यू फार्मिंग ये करते थे, ठीक है। जब जिसने ज्यादा बीडिंग किया उसको ये जमीन का हिस्सा पट्टा आपको दे दिया जाता था, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो किसान, जो मजदूर थे या टेनेंट थे, शेयर क्रोपर्स थे या जो लैंड होल्डर्स थे, उनका शोषण बहुत बढ़ता है इस व्यवस्था से। स्टेट को तो क्या हुआ, स्टेट को तो एक पक्की आमदनी हो गई, ठीक है, कि उसको इस साल इतना मिले ही मिलेगा, पर नीचे ग्राउंड पे क्या हुआ, किसान और मजदूर इस वजह से बहुत ज्यादा पिस जाते हैं, ठीक है। उसके बाद भी अलवर्दी खां के बाद भी कुछ शासक आते हैं, बट वो इतने इंपोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो इंपोर्टेंट आएगा वो आपको याद रखना है, अलवर्दी खां आएगा, ठीक है, अलवर्दी खान आएंगे। ये लिखने में गलत हो गया थोड़ा, ठीक है, ये 1740 से 1756 तक, ठीक है। तो इस समय दिल्ली सल्तनत पे कौन बैठे हैं, मोहम्मद शाह बैठे हैं, जिन्हें रंगीला बोला जाता था, ठीक है। 1748 तक वो राज करते हैं दिल्ली की गद्दी पर, उसी दौरान 1739 में नादिर शाह का अटैक भी होता है, ठीक है। अब अलवर्दी खां क्या है, अलवर्दी खां ने कुछ दिन तो दिया, कुछ नजराना जो पेश करना होता था दिल्ली की गद्दी को, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने नजराना देना ही बंद कर दिया। तो मतलब एक तरह से अपने आप को बिल्कुल इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, ठीक है। इन पे ना मराठों ने बड़ा अटैक किया था, मराठों की वजह से इनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, ठीक है। मराठा सरदार इस टाइम कौन होते थे, रघुजी होते थे, ठीक है। रघुजी से इन्होंने, रघुजी 1751 में संधि की थी। तो ये आपको बात याद रखनी है कि, ठीक है, कि 1751 में मराठों के साथ किस बंगाल के सुल्तान ने, किस बंगाल के नवाब ने संधि की थी, तो उसका नाम था अलवर्दी खां, ठीक है। बंगाल की जो स्टेट था उसकी स्थापना किसने की थी, मुर्शिद कुली खां, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अलवर्दी खां ने एक बात और याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट, जो मैं बताता हूँ वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है आपसे। बंगाल में यूरोपियंस इस समय आ चुके थे, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री 1651 में वहां पर लगा ली थी, ठीक है। अब अंग्रेज वहां आ चुके थे, तो अलवर्दी खां यूरोपियन लोगों को क्या कहता था, यूरोपियन लोगों को कहता था मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है, मधुमक्खी का ऐसा छत्ता जिसमें बहुत सारा शहद है और अपने उपयोग, अपने फायदे के लिए उसे यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको बात याद रखनी कि कौन सा बंगाल का सुल्तान यूरोपियन लोगों को मधुमक्खी का छत्ता बोलता था, तो उसका नाम है आपका अलवर्दी खां, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसकी पुत्री होती है और उस पुत्री का एक पुत्र होता है सिराजुद्दौला, ठीक है, मतलब इसका दोता सिराजुद्दौला,
अब ये अगला नवाब बनेगा, इस टाइम पे बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स होंगे जिसमें प्लासी का युद्ध भी प्रमुख है। ठीक है, अब मैं आपको सिराजुद्दौला के बारे में बताता हूँ, सिराजुद्दौला। ठीक है, मैं पढ़ाते वक्त बहुत कम बातें करता हूँ, इसलिए हो सकता है कईयों को ये लेक्चर बोरिंग लगे कि सर पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ मजाक नहीं कर रहे। ठीक है, मजाक करने के बाकी 23-24 घंटे आपके पास बचते ही हैं। ठीक है, अभी पढ़ने का टाइम है, अगर मजाक करेंगे या और इधर उधर की बातें करेंगे लेक्चर लंबा हो जाता है, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फटाफट काम करो, फटाफट सुनो, अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट बात में है कि आप जब हमारे चैनल पे जाएंगे जहाँ सब्सक्राइब बटन आता है, उसके साथ में ज्वाइन बटन भी आता है। ठीक है, अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो ये ज्वाइन बटन पर जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 200 रुपीज पर मंथ का मिनिमम अमाउंट हमने रखा है। ठीक है, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आपके सहयोग से ही ये सारा काम चल रहा है। एमए इंग्लिश के लेक्चर हो, जीएस के लेक्चर हो, या कुछ भी हो, जो इस बार हमने टेस्ट लिए थे, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एचसीएस में करीबन करीबन हमारे ग्रुप से 10 प्रीलिम्स क्लियर हैं बच्चों के। ठीक है, तो हमने किसी से कोई कुछ भी नहीं लिया था हेल्प, सो ये सिर्फ पब्लिक डोनेशन पे हमारा काम चलता है। तो आप हमें ज्वाइन करेंगे तो हमारे लिए भी काफी बेनिफिट रहेगा, 200 रुपीज पर मंथ है। ठीक है, तो अब सिराजुद्दौला सिर्फ 1 साल के लिए नवाब रहते हैं, बट बहुत ज्यादा इनके टाइम में डेवलपमेंट होती है। अब देखो डेवलपमेंट क्या होती है, अब मैं थोड़ा यहाँ डिटेल में लूंगा ताकि आपको कंसेप्ट समझ में रहे। हिस्ट्री का मतलब सिर्फ रट्टा नहीं होता कि ईयर रट लिए, कौन राजा आया, क्या हुआ, ये सब नहीं होता। हिस्ट्री एक पूरी क्रोनोलॉजी होती है, सिक्वेंसेज ऑफ इवेंट्स होता है, इंसिडेंट्स होता है, क्या क्या हुआ। बट यहाँ पर अब मैं आपको रियल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप 1756 में क्या होता है, यूरोप में ना 7 साल का युद्ध छिड़ जाता है। ठीक है, यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ठीक है, 7 ईयर वो है, इंग्लैंड और फ्रांस पारंपरिक दुश्मन रहे हैं, आप कहीं भी देखेंगे ये लड़ते रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, इंग्लैंड और फ्रांस का युद्ध छिड़ जाता है 7 साल का। अब ये क्या है भाई, इंडिया में क्या किया जाए, खाली बैठे, चलो इंडिया में भी लड़ते हैं। इसी दौरान आपको इंडिया में थर्ड एंग्लो आंग्ल फ्रेंच वॉर भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, फ्रेंच वॉर 1759 में डच के साथ कौन सी लड़ाई लड़ी थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये लड़ रहे हैं यूरोप में, अब इंडिया में भी लड़ना शुरू कर दिया है, इंडिया में भी लड़ना शुरू कर दिया, तो अब क्या होगा कि भाई पहले अपने अपने जो कमर्शियल फैक्ट्रीज हैं, कमर्शियल सेंटर हैं, जो कोठी हैं इनकी, उनको सिक्योर किया जाए। उनको सिक्योर किया जाए तो क्या करना है कि उनकी दीवार बंदी करेंगे, किले बंदी करेंगे, गोला बंदी करेंगे, वो सब करेंगे। ठीक है भाई, अंग्रेज हुगली में है, फ्रेंच जो है चंदर नगर में है, चंदर नगर में। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ एफ, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि 7 साल का युद्ध अब शुरू गया है, तो अब अंग्रेज जो हुगली हुआ कलकत्ता, इसकी फोर्टिफिकेशन, इसकी किलेबंदी करते हैं, अब ये इसकी किलेबंदी करते हैं। इससे क्या होता है कि सिराजुद्दौला चिढ़ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई बड़ा स्टेट है, मान ली भारत है। ठीक है, अब भारत में आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है, भारत सरकार की है। अब हर कोई अपने लिए सेना रख के खड़ा हो जाए, हमारा घर के बाहर सेना खड़ी है, आपके घर के बाहर खड़ी है, किसी और के घर के बाहर खड़ी, तो ऐसे चलेगा काम थोड़ी ना चलेगा। ये भारत, इसकी भारत सरकार की जिम्मेवारी है, भारत सरकार यह जिम्मेवारी आंतरिक सुरक्षा की तरह तरह से पूरी करती है, चाहे राज्य पुलिस के जरिए है या पैरामिलिट्री के जरिए हो। ठीक है, अब सिराजुद्दौला कहता है यार ये जिम्मेवारी तुम मेरे राज्य में, तुम्हारी फैक्ट्रियां हैं और तुम यहाँ अपनी किलेबंदी कर रहे हो, सेनाएं लगा रहे हो, तोपखाने बना रहे हो, ये गलत बात है। ठीक है, ये मेरी जिम्मेवारी, मैं करूंगा। तो अब सम्राट है भाई, नवाब है, नवाब चिढ़ गया है कि मेरे बिना ये काम हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इनके बीच में अब दरार आनी शुरू हो गई है। ठीक है जी, अब इसको लगता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को और फ्रांसिस को लगता है सिराजुद्दौला बहुत खतरनाक है, और सिराजुद्दौला का लगता है ये बहुत ज्यादा, तो एक अविश्वास की खाई इनके बीच में पनपती है। आगे चलकर यही कारण बनेगा प्लासी के मेन युद्ध का। एक और कारण भी होता है, जो 1717 में फर्रुख यार ने मैग्ना कार्टा दिया था, जो दस्तक इशू किए थे। ठीक है, इनके बीच में भी इस वजह से भी आपस में क्लैश चलता रहता है। क्यों क्लैश चलता रहता है, मिले थे कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी के इंप्लॉय भी उसको यूज कर रहे हैं, इसलिए क्या होता है सिराजुद्दौला को टैक्स नहीं मिलता, टैक्स नहीं मिलता तो राज्य के लिए खर्चा नहीं बनेगा, तो ये कारण भी रहा था। ठीक है, अब आगे क्या करेगा, सिराजुद्दौला बहुत वीर नवाब था, सिराजुद्दौला क्या करेगा, 1756 में, ये बंगाल में ही पड़ता है कासिम बाजार। ठीक है, कासिम बाजार, अब ये आक्रमण कर लेता है, आक्रमण करके अंग्रेजों को कलकत्ता से भगा देता है। ठीक है,
और जो कलकत्ता में इन्होंने अपना दुर्ग बनाया था फोर्ट विलियम, ठीक है, इस पर अब अधिकार हो जाता है, ये याद रखना। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ बनता है? फोर्ट सेंट जॉर्ज बनता है मद्रास में, कलकत्ता में बनता है फोर्ट विलियम, और जो बंबई है वो उनको, जो इंग्लैंड के राजा है जब उनकी पुर्तगाल की राजकुमार से शादी होता है तब ईस्ट इंडिया कंपनी को पट्टे पे मिलता है 1668 में, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, फोर्ट सेंट जॉर्ज पहले बनता है, ये बात याद रखना, ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब इस टाइम यहाँ अंग्रेजी अधिकारी कौन कौन है? एक तो गवर्नर ड्रेक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सेनापति जो कमांडर है इस टाइम फोर्ट विलियम का, मिनी चिन है, मिनी चिन, ठीक है, मिनी चिन, ये याद रखना है, ठीक है। अब सिराजुद्दौला इनको हरा देता है, हरा देता है तो अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेज एक जगह पे सह लेते हैं, कौन सा द्वीप होता है वो याद रखना है, फुलटा द्वीप पर अब सह लेते हैं। तो इस स्लाइड में आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन गए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। एक इंपॉर्टेंट घटना फिर इसके 10-15 दिन बाद ही होती है, जून जून में होती है एक इंपॉर्टेंट घटना, एक सेकेंड, जून 1756 में होती है, ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है। ब्लैक होल की घटना कहाँ होती है? बंगाल में होती है। किससे पहले होती है? प्लासिक। जैसे कुछ किताबें कहती हैं ये हुआ नहीं था, ये अंग्रेजों का प्रोपगेंडा था, पर ठीक है, जो सिलेबस में है तो है। इसमें क्या है कि अंग्रेज अधिकारी होते थे होलवेल, ठीक है, होलवेल, उनके द्वारा ये बताया गया था कि नवाब ने क्या किया कि करीबन करीबन 150 अंग्रेजों को बंदी बना दिया, ठीक है, और उनको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। तो अगले दिन जब कमरा खोला तो मात्र 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे, ठीक है। तो जिंदा बचे तो ठीक है, इस घटना को कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजडी, ब्लैक होल त्रासदी, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? बंगाल से और प्लासी के युद्ध। अब बहुत ज्यादा मतलब इसके बाद और भी खतरा हो गया अंग्रेजों को, भाई इससे सिराजुद्दौला से तो निपटना पड़ेगा। एक तो ये हमें फोर्टिफिकेशन की किलेबंदी नहीं कर रहा है, हमारे बंदों को मार रहा है, व्यापार में जो हमें छूट दिल्ली से मुगल सुल्तान ने दी है, मुगल नवाब ने दी है, उसको भी नहीं लेने दे रहा है, अब क्या करेगा ये? तो कुछ जो ये जो सिराजुद्दौला है उसकी कोर्ट में कुछ व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जिनके मैं नाम लिख रहा हूँ। मेन कौन हो गया? मीर जाफर हो गया, ठीक है, मीर जाफर सेनापति थे। और कौन हो गया? एक दीवान होता था राय दुर्लभ चंद, ठीक है, दुर्लभ, और एक व्यापारी होता था अमी चंद, ठीक है, और एक बैंकर होता था जगत सेठ। भारत को गुलाम करवाने में इन लोगों की भूमिका बहुत ज्यादा रही है, मीर जाफर हुआ, राय दुर्लभ हुआ, अमी चंद हुआ, जगत सेठ हुआ। कलकत्ता में मारवाड़ी जो बिरादरी है, मारवाड़ी जो बनिया होता है, उसका काफी बोलबाला था, चाहे व्यापार में हो, चाहे बैंकिंग में हो, ठीक है, या कोर्ट में दरबार में हो, ठीक है। तो इन लोगों की वजह से, तो ये मेन सीन। एक मानिक चंद और भी होता था, मानिक चंद कौन होता था? मानिक चंद यही कलकत्ता का होता था, ठीक है। तो अब क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? रॉबर्ट क्लाइव कौन है? रॉबर्ट क्लाइव मेन है, अंग्रेजों की तरफ से है ये, ठीक है। अब रॉबर्ट क्लाइव हुआ और एक हुआ सिराजुद्दौला, एक मीर जाफर और एक मानिक चंद, ठीक है। अब क्या करेगा रॉबर्ट क्लाइव? रॉबर्ट क्लाइव और अंग्रेजों को क्या चाहिए? सिराजुद्दौला से अब छुटकारा चाहिए, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव अप्रोच करेगा मानिक चंद को, ठीक है, कि भैया कुछ करवा हमारा। मानिक चंद इन लोगों को अप्रोच करेगा, तो यहाँ पर ये लोग अब सिराजुद्दौला, अब संधि होगी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, कहीं नहीं मिलेगा। 1756 में होती है ये, सॉरी 1757 में होगी, 56 तो चला जाएगा, जनवरी 1757 के आसपास ये संधि होती है, ठीक है, अली नगर की संधि, ये आपको याद रखना है, ठीक है, अली नगर की संधि, ठीक है। अली नगर की संधि किस किसके बीच में हुई? ये किस कलाइव और आपकी नवाब के बीच में अलीनगर की संधि होती है। अब इस संधि के तहत क्या होता है? इस संधि के तहत होता है जो कंपनी का क्षेत्र अधिकार है ना, और जो उसके विशेषाधिकार प्रिविलेज मिले हुए थे, जो 1717 में जो इनका समझौता फर्रुखशियार से होता था, उनको पुनर्स्थापित कर दिया जाता है, मतलब आप वैसा ही कर सकते, एज इट इज सिचुएशन कर दिया, ठीक है। दूसरा, आप फोर्टिफिकेशन कर सकते हो, अपनी टकसाल बना सकते हो, ठीक है, ये सब अपनी बन जाता है। तो उसके बाद अब टकसाल बना सकते हो, तो अंग्रेज कहाँ इस को चूकने वाले थे? अंग्रेजों ने क्या किया, अगस्त 1757 में कलकत्ता में टकसाल बना दी, ठीक है। टकसाल क्या होता है? जहाँ क्वाइंटिंग क्वाइन जो होते हैं उनकी
मिंटिंग की जाती है, क्वाइन बनाए जाते हैं, ठीक है, ये आपको है। उसके बाद ये चंदननगर जो होता है फ्रांस से छीन लेते हैं, ठीक है। तो अब जब चंदननगर जो फ्रांस का है उसको छीन लेते हैं, तो सिराजुद्दौला को लगता है कि अंग्रेज फिर बकवास कर रहे हैं, ये तो उल्लंघन हो गया अलीनगर की ट्रीटी का, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया है, पहले युद्ध युद्ध करो, पूरा नुकसान पहुंचाओ, फिर ट्रीटी कर लो, और फिर युद्ध करो या कुछ और चालबाजियां करो, पूरा इस तरह से जीता गया है भारत को, ठीक है। ट्रीटी को आप संधियों को देखेंगे ना, बहुत बड़ा फैक्टर है भारत को जीतने में, ठीक है। कभी किसी के विरुद्ध, कभी किसी, जैसे कभी तो मराठाओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ देंगे, कभी उन्हीं के साथ संधि कर लेंगे, कभी मैसूर के साथ कर लेंगे। तो ट्रीटियों की भूमिका बहुत बड़ी है, आपको ट्रीटियों को समझना पड़ेगा, ठीक है। हर एग्जाम में ये पूछी जाती है। तो फ्रांस से किसने जीता चंदननगर, क्लाइव और वॉटसन ने, ठीक है। क्लाइव इंपोर्टेंट फैक्टर है, इंपोर्टेंट चेहरा है, ठीक है, जो बंगाल की जीत में। अब क्या है कि कोर्ट पहले से ही असंतुष्ट, और एक और इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी और रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला से असंतुष्ट, ठीक है, जिसमें मीर जाफर हो गया, राय दुर्लभ हो गया, जगत सेठ अमीचंद। अब इसके माध्यम से रॉबर्ट क्लाइव ना बहुत बड़ा षड्यंत्र रचते हैं। षड्यंत्र क्या रचते हैं कि सिराजुद्दौला को हटाना है। आप देखेंगे प्लासी के युद्ध में जो सेनापति है मीर जाफर, वो ही नहीं लड़ता। जब सेनापति ही नहीं लड़ रहा तो सेना नहीं लड़ेगी, आसानी से सिराजुद्दौला को हरा दिया जाएगा। तो प्लासी का युद्ध कब होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, 23 जून 1757। आपको ये बताना है प्लासी किस स्टेट में है फिलहाल, और कौन सी नदी पे है, और प्लासी इसका नाम क्यों पड़ा। 23 जून 1757 को ये युद्ध होता है, ठीक है। इस युद्ध में सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव हरा देते हैं। असल में ये युद्ध हुआ ही नहीं, एक साजिश हो गई थी, ठीक है। और मीर जाफर का पुत्र होता है मीरान, ठीक है। मीरान किसको हरा देता है, मीरान मतलब मार देता है सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला मर चुका है, अब किसको इनाम मिलेगा अपनी गद्दारी का, मीर जाफर वगैरह को, और इनको इनाम मिलेगा सबको, ठीक है, जगत सेठ और इनको। मीर जाफर अब बंगाल का नवाब बन जाता है, ठीक है। तो मीर जाफर को क्या बोला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइव का गधा, ठीक है, ये आपको याद रखना, डंकी ऑफ क्लाइव किसे बोला जाता था, मीर जाफर को बोला जाता था, ठीक है। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव वापस इंग्लैंड चला जाता है, फिर आगे फिर आएगा वो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मीर जाफर भी तंग आ चुका है, जितना मीर जाफर से चाहिए था अंग्रेजों को उतना मीर जाफर नहीं दे रहा, अब मीर जाफर को हटा दिया जाता है। इसके बाद मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है, ठीक है। मीर कासिम कब से कब तक रहेंगे, अब ये 1760 से 1763 रहेंगे, 1764 में बक्सर का युद्ध होगा, अब उसकी घटनाओं की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। अब मीर कासिम क्या करता है, पहली समझदारी करता है, यार मुर्शिदाबाद और कलकत्ता में ना बहुत ज्यादा ये षड्यंत्र हो रहा है, तो अब मुर्शिदाबाद जो कैपिटल थी बंगाल की उसको शिफ्ट करता है मुंगेर। मुंगेर कहाँ पड़ता है, मुंगेर पड़ता है आपका बिहार में, ये जो आज बंगाल है, बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल और जो हमारा पश्चिमी बंगाल है, ये एक ही होता था, ठीक है, और इसकी कैपिटल आपकी मुर्शिदाबाद होती थी। तो अब क्या हो गया, अब इनकी ना पटना में कुछ अनबन होती है मीर कासिम और अंग्रेजों की, उस अनबन से अंग्रेज बड़े नाखुश होते हैं, उसके बाद नाखुश होते हैं तो दोबारा मीर जाफर को ही नवाब बना दिया जाता है, ठीक है। 1763 से लेकर 1765 तक मीर जाफर अब दोबारा नवाब हुए। अब मीर कासिम जिसको नवाब हटा दिया जाता है तो वो गुस्सा होता है, वो बदला लेने की सोचता है, बदला लेने की सोचता है तो ये क्या करता है, ये चला जाता है अवध। अवध के नवाब होते हैं सुजाऊ दौला, अब मैं आगे अवध पढ़ाऊंगा तो और डिटेल से समझ में आ जाए। सुजाऊ दौला वहां के नवाब होते हैं, सुजाऊ दौला होते हैं, और उस समय जो मुगल सल्तनत के दिल्ली के होते हैं हेड, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम सेकंड। शाह आलम फर्स्ट कौन थे, बहादुर शाह, जो औरंगजेब के पुत्र थे, ठीक है, 1707 से लेकर 1712 तक रहे थे। ये दोनों वही पधारे होते हैं, ये डरा होता है अपने वजीर से शाह आलम, इसलिए वहीं पर होता है। तो मीर कासिम कहाँ पहुंचता है, अवध पहुंच जाता है, अवध इसको ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, शाह आलम और सुजाउद्दौला। शाह आलम को कौन दिल्ली लेकर आता है, मराठे दिल्ली लेकर आते हैं, और 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं, वो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मीर कासिम और ये तीनों मिलकर रणनीति बनाते हैं कि हम अंग्रेजों को हराएंगे। तो अंग्रेजों को हराने के लिए ये क्या करते हैं कि बक्सर नामक जगह पर ये तीनों अब अंग्रेजों से युद्ध करेंगे। बक्सर का युद्ध वो निर्णायक युद्ध है, पलासी का युद्ध भी हालांकि निर्णायक है, पर बक्सर का युद्ध बहुत ज्यादा निर्णायक, क्यों कि तीन तीन भारतीय सम्राट, मीर कासिम, सुजाऊ दौला, शाह आलम, ठीक है,
और उनको अकेले इंग्लैंड वाले हरा देते हैं। मतलब अब ये साबित हो गया है कि भारत पर इंग्लैंड ही शासन करेगा। ठीक है, तो ये बक्सर का युद्ध होता है आपका, ये अक्टूबर में होता है, ठीक है, अक्टूबर 1764 में ये बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है, और इसमें मीर कासिम और इन तीनों की हार हो जाती है। ठीक है, तो अब ये इसमें मेन कौन होता है, प्लासी के युद्ध में होता है रॉबर्ट क्लाइव, यहां पर आपको मेन होता है हेक्टर मुनरो। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, आजकल ऐसे ही एचपीएससी एचएसएससी ये सवाल पूछ रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके बाद आपका मीर जाफर की 1765 में मौत हो जाती है, और उसके बाद जो सुल्तान बनते हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दो अलग अलग संधियां होती हैं, ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है, इलाहाबाद की एक संधि होती है, दूसरी इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है। ठीक है, इलाहाबाद की पहली संधि किसके किसके बीच में होती है, मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय है वह अंग्रेजों के बीच में होती है। ठीक है, और जो बंगाल का उस टाइम नवाब होता है नजीबुद्दौला होता है, ठीक है, उसके बीच में होता है। अब शाह आलम क्या कहता है अंग्रेजों को कि भाई तुम बंगाल बिहार और ओडिशा के दीवानी अधिकार ले लीजिए, दीवानी अधिकार का मतलब है आप अपना वो कर सकते हैं, यहाँ से जो टैक्स कलेक्शन है वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अवध का नवाब होता है, भैया तूने भी युद्ध में हमारे जो अगेंस्ट युद्ध है उसमें इनका साथ दिया, अब तेरे को भी हम खाली नहीं जाने देंगे, तो सम्राट क्या करता है, एक कारा नामक जगह है, ठीक है, और अलाहाबाद है, इलाहाबाद के जिले इनको दे दिए जाते हैं। ठीक है, मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन दी जाएगी। ठीक है, ये इलाहाबाद की पहली संधि है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो 1765 में होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे करेंगे अवध के बारे में। ठीक है, लेक्चर लंबा हो गया है पर आप इसे अंत तक देखते, ठीक है, अवध, अवध भी मुगलिया सम्राट सल्तनत का हिस्सा होता है, सल्तनत का हिस्सा होता है, तो ये एक तरह से ना बफर के रूप में काम करता है, बफर स्टेट, जैसे ये रूस हो गया, ठीक है, रशिया, ये अफगानिस्तान हो गया, और ये भारत हो गया जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड था। अंग्रेजों के समय अफगानिस्तान बफर स्टेट के रूप में काम करता था। ठीक है, इसी तरह अवध होता था, एक तरफ अंग्रेज एक तरफ मराठा और एक तरफ अवध होता था, तो एक तरह से बफर स्टेट के रूप में माना जाता था। ठीक है, अब मेन बात आती है कि इसके स्वतंत्र राज्य जो अवध था उसका संस्थापक कौन था, उसका संस्थापक था आपका बुरहान उल मुल्क, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सादत खान के नाम से भी जानते हैं, सादत खान के नाम से भी जिसे जाना जाता है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक जो थे ना अफगान लोग थे, अफगान या रुहेलखंड का हिस्सा पड़ता है, अफगान लोग वहां आकर बस गए थे, ठीक है, तो इन्हें रोहेला कहा जाता है, आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब मेन बात आती है कि सादत खान ने कब से कब तक, 1722 से लेकर 1739 तक अवध पर रहा, इसी दौरान नादिर शाह का आक्रमण भी होता है भारत पे, ठीक है, और उसमें ये अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सादत खान जो होते हैं बुरहान उल मुल्क होते हैं वो क्या करते हैं, फांसी खा जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो अवध था, अवध की कैपिटल कौन सी थी अगर आपसे पूछे, वहां थी मुर्शिदाबाद, बंगाल की अवध की थी फैजाबाद जो अयोध्या के किनारे पड़ता है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, और जो लखनऊ पड़ता था, इलाहाबाद होते थे वो सब अवध के नीचे आते थे, इसी तरह यहाँ लखनवी संस्कृति का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपको ये सारा याद रखना है कि लखनवी, और जो 1857 के गदर में आपने सुना होगा, ठीक है, वाजिद अली शाह, बिशारत कादिर है, बेगम हजरत महल, ये सब इसी अवध डेंसिटी के ही नेता होते हैं, नेता का मतलब राजा और रानिया या युवराज होते हैं। ठीक है, जहां पर आगे 1857 के हम जो क्रांति होगी उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद सादत खान के बाद और भी नवाब आते हैं, ठीक है, सफदरजंग जैसे इंपोर्टेंट नवाब आते हैं। ठीक है, पर आपको इनमें अब याद कौन रखना है, आपको सुजाऊ दौला याद रखना है। ठीक है, सुजाऊ दौला अभी मैंने आपको बैटल ऑफ बक्सर में भी पढ़ाया था, तो सुजाऊ दौला अवध के नवाब कब से कब तक रहते हैं, 1754 से 1775 तक रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं ये सुजाऊ दौला, क्या करते हैं, 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है उसमें मराठाओं के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली का साथ देता है, मराठाओं के विरुद्ध जो लोकल इंडियन रूलर है क्यों साथ है, क्योंकि मराठाओं ने इतना परेशान कर रखा था तो सारे उनसे मुक्ति चाहते थे, इसलिए करते हैं। ठीक है, अब
जो दूसरी संधि होती है इलाहाबाद की, जिसकी हम बात कर रहे थे, जो 1765 में पहली संधि शाह आलम के बीच में, दूसरी संधि नवाब सुजाउद्दौला और कुलायु के बीच में होती है, ठीक है। अब क्या है कि जो अवध का राज्य था, कारा और इलाहाबाद को छोड़कर, वापस उसे मिल गए। ये तो अंग्रेजों के पास रहे, क्यों रहे, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल एरिया था क्योंकि यहाँ नदियां बहुत ज्यादा बहती हैं, ठीक है। और कंपनी को ये युद्ध में जो नुकसान हुआ उसके लिए 50 लाख रुपए देगा। और चुनार का किला है अभी, चुनार का किला, ठीक है, चुनार का किला भी अब कंपनी को मिल जाएगा। और एज इट इज जो रहती थी कि हम ड्यूटी फ्री ट्रेड अवध में कर पाएंगे, ये सारा इसको मिल जाता है। तो आपको अब ये याद रखना है, ठीक है। आखिरी में कौन आएंगे, वाजिद अली शाह आएंगे, 1847 से लेकर 1856 तक रहेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है अभी बताता हूँ। वाजिद अली शाह इस टाइम भारत के कौन गवर्नर जनरल थे, डलहौजी थे, ठीक है। और जिनकी कौन सी नीति थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी हड़प की नीति, ठीक है। अब ये मिस गवर्नेंस का आरोप लगाकर डलहौजी क्या है, अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लेंगे, इसी वजह से अवध जो है एंटी होगा, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जो आज का आखिरी रहेगा, हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद मुगलिया सल्तनत का भाग था पर धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो किसने स्थापना की थी 1724 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चिन किलिच खां, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ऐसा मुगल सम्राट जिसकी अपने ही मंत्रियों यानी वजीरों द्वारा हत्या कर दी गई, ऐसा पहला सम्राट कौन था, और ऐसा मुगल सम्राट जिसने सबसे कम समय में मुगल गद्दी दिल्ली पर शासन किया, दो आपको बताना, ठीक है। चिन किलिच खां को क्या बोलते थे, निजाम उल मुल्क, ठीक है। और इनको क्या बोला गया, हैदराबाद के निजाम चाहे कह लीजिए, या असफ जाही साम्राज्य या डेंसिटी, ठीक है, राजा। तो ये तीन चीज आपको याद रखनी, एक ही नाम है ये, चिन किलिच खान, निजाम उल मुल्क या असफ जाही, ठीक है। ये आपको, ये दक्कन का सूबेदार था, धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये पूछ लिया जाए कि चिन किलिच खान की उपाधि इसको किसने दी थी, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको ये उपाधि दी थी, ठीक है। एक युद्ध होता है जो इंपॉर्टेंट है, शुकुर खेड़ा, जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी आपसे पूछा था, शुकुर खेड़ा का बैटल किस किस के बीच में होती है। शुकुर खेड़ा की बैटल होती है निजाम उल मुल्क यानी चिन खिलिज खां, और मुगल सूबेदार होते हैं मुबारिज खां, मुबारिज खां को चिन खिलिज खां हरा देते हैं, ठीक है। तो अब 1748 में निजाम उल मुल्क की जो है मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद वेल्जली की जो सहायक संधि होती है, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस जिसे बोलते हैं, वेल्जली मैं लिख देता हूँ, VALLESCLY, सहायक संधि, ठीक है, जिसमें रेजिडेंट करना पड़ता था और ये सब अलग से पढ़ेंगे सहायक संधि को, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस, उसके तहत हैदराबाद को ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया जाता है, ठीक है। अब जैसे आज हमने बंगाल के बारे में पढ़ा, संस्थापक कौन थे, मुर्शिद कुली खां थे, हैदराबाद के चिन किलिच खां या निजाम उल मुल्क थे। भरतपुर इस तरह एक राज्य और आएगा जिसमें चूड़ामन जाट और बदन सिंह होंगे, कर्नाटक और बनेगा, हम आने वाले लेक्चर्स में से पढ़ेंगे, सदतुल्ला खां होंगे, अवध में कौन थे, बुरहान उल मुल्क यानी कि सादत खां थे, जयपुर में सवाई राजा मान सिंह थे, रुहेल और जो बंगश पठान का इलाका था मोहम्मद खां बंगश, ये अफगानी होते थे, मैसूर आएगा इसी दौरान में हैदर अली होते थे, ठीक है। आने वाली लेक्चर में मैं आपको जो चौथा लेक्चर रहेगा कर्नाटक के बारे में बताऊंगा, ठीक है, केरल के बारे में बताऊंगा, जाटों के बारे में बताऊंगा, राजपूतों के बारे में बताऊंगा, सिखों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। सिख जिसमें पाकिस्तान वाला पंजाब भी आ गया और भारतीय पंजाब जो वर्तमान में भी है, ठीक है। सिखों की जो 12 मिसल हुई है, जैसे सुकर चकिया मिसल हुई है, भंगी मिसल हुई है, आलूवालिया हुई है, फुलकिया मिसल हुई है, रणजीत सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अमृतसर की संधि कब कब होती है इनके बारे में पढ़ेंगे, बाबा खड़ग सिंह कौन हुए, दलीप सिंह कौन हुए, मराठा राज्य किस कब कब हुआ, ठीक है। तो ये सब हम सारी पढ़ेंगे, पेशवाओं के बारे में मैं आपको डिटेल से एक एक पेशवा को हम पढ़ेंगे, तीनों एंग्लो मराठा जो वॉर हुए हैं, ठीक है, 1775 में जैसे पहला हुआ था, दूसरा 1803 में होता है, तीसरा 1817 में होता है, कौन कौन इस टाइम गवर्नर जनरल होते हैं और कौन कौन सी मुख्य मुख्य संधियां होती हैं, ठीक है। मराठाओं ने बहुत सारी संधि की है, जैसे ग्वालियर की संधि, पूना की संधि, सरजी अंजन की संधि, बसई की संधि और आपकी सालबाई की संधि, पुरंदर की संधि, ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैसूर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आने वाले लेक्चर्स जो रहेंगे मैंने उसके बारे में बता दिया, आज यहीं तक खत्म होता है, आप सबने मुझे सुना,
धन्यवाद, शुक्रिया।